उधर साइड में पटेल के नाम से, साहू के नाम से भी लिखते हैं। इधर हमारे राजस्थान साइड में अपनी समाज को लोधा राजपूत के नाम से पहचाना जाता है, जो मथुरिया वंश के राजपूत माने जाते हैं। और यहाँ पर जो है चार भाइयों का परिवार, पांच भाइयों का किस तरीके से है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सर्वप्रथम हमारा चालू होता है प्रोग्राम वीर वीरांगना अवंती बाई के बारे में पहले हम बताएंगे आपको। ये 16 अगस्त जो आने वाला है सर, शायद कल ही है, कल, और बहुत बड़ी इनका एक हमारा जन्मदिन है, और इनको मनाने के लिए दिल से हार्दिक बधाई। हम लोग कल, हमको कहीं जाना भी है एक जगह मीटिंग में, क्योंकि प्रोग्राम तो हमारा रोज ही चलता है, लेकिन हम समाज के लिए इतिहासकार हैं, लेकिन जन्मदिन के लिए हम लोग उपस्थित होते हैं। तो ये 16 अगस्त 1831 जो हमारी वीर वीरांगना छत्राणी अवंती बाई का नाम धरती पर विख्यात है, झांसी की रानी का नाम साहब जी आगे कर दिया, अपनी समाज की रानी का नाम आज पीछे पड़ गया। जो जागरूक है वही मानता है, इन्हीं के नाम से हमारी जाति की पहचान अभी भी जिंदा है। ब्रह्मानंद गुरु जी जो हमारे राज महोबा आपके हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं, जिनकी तस्वीर नीचे लगी हुई है, हजारों बीघे जमीन दान करने वाले, इंदिरा गांधी के समय से साहब जी ये कांग्रेस का साथ देते रहे और एक बार सांसद भी रहे। आज इनका नाम परम पूज्य ब्रह्मानंद गुरु जी के नाम से जाना जाता है। इधर हमारे राजा रतन सिंह, ठाकुर किशोर सिंह और आपके ठाकुर दरियाव सिंह, हमारे वीरांगना अवंती बाई, लोधेश्वर महादेव, देवादी देव महादेव का नाम, इतने लोगों के नाम से हमारी समाज का शहीद गुलाब सिंह के नाम से हमारा नाम आज भी विख्यात। अब चलती है वंशावली कि ये तो हमारे परम पूज्यों के नाम हैं, जिनकी पहचान से आज राजपूतों का आविष्कार बचा है और अपने समाज की गरिमा और वर्चस्व बचा हुआ है। तो साहब जी कहते हैं कि राजस्थान से, MP से, मध्य प्रदेश से जब हम घूम के आते हैं तो राजपूत एक ठाकुर भी लगाते हैं और राजपूत आप भी, लेकिन पहले के पाषाण काल के समय पर अपने समाज को लोग ठाकुर ही लिखते थे। अपनी समाज सतयुग, द्वापर और त्रेता, सतयुग, द्वापर, त्रेता तक तो चार तीन युगों तक तो ये ठीक रही, इसके राजे रजवाड़े रहे, लेकिन ये कलयुग में इसका नाम बर्बाद हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा अपनी समाज तीन चीजों को मना किया गया है अपने राजपूतों में। तो प्रथम चीज है नशा की मुक्ति, जो पौआ शाम को राजपूत साहब जी बहुत अधिक पीते, जो नशा बंद करते हैं समाज, इसकी रोक की गई है राजपूतों की। दूसरा है दहेज की प्रथा को कम करना। अपनी समाज को उज्जवल और साफ जब ही कर पाओगे जब दुष्प्रभाव और परिणाम दूर हो पाएंगे, दहेज की प्रथा को कम करना। तीसरा है मृत भोज को रोकना। कहते हैं साहब कि मृत भोज ना खाइए, मरने वालों के प्रति अपना सदव्यवहार निभाइए, धर्म यही कह रहा बंधुओं मृत भोज ना खाइए। जिस आंगन के पुत्र शोक में बिलख रही है माता, वहां पहुंचकर स्वाद जीव का तुमको कैसे भाता। पति चिर वियोग में व्याकुल विधवा युवती रोती, और बड़े स्वाद में पंगत खाते पुरु पुरोहित भोगी, अपने उड़ पीड़ा को भैया पत्थर नहीं बनाओ, धर्म यही कह रहा बंधुओं मृत भोज ना खाओ। चला गया संसार छोड़कर जिसका पालन हारा, बड़ा चेतन ही तहां पर वज्रपात का मारा, खुद भूखे रह कर परजन दिन तेरवी करते, अंधी परंपरा के पीछे हम जीवित ही मर जाते, इस कुरीत के जन्मोलन का उत्साह दिखलाओ, धर्म यही कह रहा बंधुओं मृत भोज ना खाओ। मृत भोज का आप कभी भी भोजन करिएगा, कभी उसमें किसी प्रकार का स्वाद नहीं। ये क्षत्रिय शरीर है, लोग कहते हैं ये ब्राह्मण और ये क्षत्रिय, ये वैश्य और ये शूद्र, चार वर्णों से मानव का शरीर तब्दील कर दिया गया, लेकिन ये हमारी आपकी कहावत है। लेकिन जाति के बंटवारे जब हुए थे तो सबसे प्रथम जाति का नाम किसका है ये हम आपको पहले लेकर चलते हैं। सर्वप्रथम अपनी समाज में
पहले उच्चारण लोधेश्वर भगवान का किया जाता है। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद हारम सदा बसंतम हृदय अरविंदे भव भवानी सहितम नमामि। जो लोधेश्वर भगवान का ये महामंत्र है जिसके द्वारा हम समाज को आगे लेकर चलते हैं। अब आता है अपनी समाज के गोत्र के बारे में क्या होता है। अपनी समाज को ब्याह शादी के समय पर कोई भी पूछ दे कि आपका गोत्र क्या है तो साहब जी अपना राजपूत हिलक जाता है, गोत्र नहीं बता पाता है। कोई तो बोल देता कश्यप गोत्र है, लेकिन कश्यप गोत्र और मरीचि और आत्री गोत्र इन नामों से लिया जरूर जाता है, लेकिन मेन जो गोत्र है वो हमारी समाज का आत्री गोत्र है। वो आत्री गोत्र ब्रह्मा की प्रथम संतान, ब्रह्मा के 9 पुत्र हुए थे। प्रथम संतान जो थी वो थी आप जी आत्री मुनि। वो आत्री मुनि जिनके बेटे दुर्वासा ऋषि जी महाराज, जिनकी पत्नी सती अनसुईया, ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया था, नग्न भोजन का प्रस्ताव रखा था, वो कुल देवी महालक्ष्मी प्रभा भवानी जो हमारी लुधियाना की है, जो हमारी कुल देवी मानी जाती है, उनके नाम से हम इसको साहब जी अपने आत्र गोत्र का नाम देते हैं। अपनी समाज में इस आत्र गोत्र का जो मंत्र है वो क्या है उसको अपने डायरी में नोट करके रखने से, घर में पूजा पाठ की जगह स्थान पर रखने से, अपने मोबाइल में नोट करने से कभी भी अकाल मृत्यु घर में विपत्ति किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता है, दुखा बीमारी हारी तक दूर हो जाती है। ये बात ना यकीन हो तो आप कुछ दिनों के लिए मेरे से नोट करवा के आप यूज करके देख लेना। तो इसका मंत्र क्या है, आत्र गोत्र का मंत्र है वेद यजुर्वेद प्रवर 3 आत्र यात्रा सतताय शाखा वासनय पास्कर सूत्र पास्कर ग्रह सूत्र कुल देवी महालक्ष्मी नदी त्रिवेणी के नाम से इसका मंत्र माना गया है। एक बार बोलिए लोधेश्वर भगवान की जय। अब हमारी वंशावली की विस्तार होती है जिसके कारण लोग जिनके राजपूतों के कान तरस जाते हैं वंशावली सुनने के लिए, वो राजपूत घराना जिनके राजे रजवाड़े साहब आज भी हमारे खंडहर पड़ गए, लेकिन राजपूत भूल गया कि हमारी रियासत कहाँ पड़ी है, हमारे पुराने किले कहाँ पड़े हैं, हमारी समाज की नींव कहाँ पड़ी है, कौन सा हमारा मेन राजा था, कैसे हमारी समाज का उद्धार हुआ और कहाँ से ये वंशावली चल के राजपूत ये धरती पर बैठा है। अगर वो समय ना साहब जी समय पर सही गुजरा होता तो साहब जी एक फूल की माला कभी नहीं बनती। बनती है भैया? नहीं, एक फूल की माला कभी नहीं बनती है। यही हमारी माला बैठी है, जो समाज हमारे राजपूत यहाँ बैठे हैं, अनेक फूलों की माला जब तैयार हुई है जब वहां से हमारी वंशावली चलकर यहाँ तक आई है। एक बार बोलिए लोधेश्वर भगवान की जय।